नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा के निर्देशानुसार आज माजरी चौक पंचकुला पर कांग्रेसियों ने हरियाणा सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन और कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के जज्बे को सलाम करने और केंद्र सरकार की ओर से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी दौरान रोष मार्च के जरिए भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये, कृषि विरोधी तीन काले कानून थोपने, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों, अभिव्यक्ति की आजादी छीनने तथा पेगासस से जासूसी करके राष्ट्रहित से खिलवाड़ करने जैसे कारनामों से भी आमजन को अवगत करवाते हुए भाजपा सरकार से इस्तीफे की मांग भी की गई। पंचकुला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।